आपने इन्फोसिस से दूसरी कंपनी में चेंज किया था, दूसरी कंपनी से जब आपने तीसरी कंपनी में चेंज किया था, डिफिकल्टीज लेवल क्या होता है? डर कितना रहता है दिमाग में, कि कितना डर है यार कि यार मैं पहली कंपनी चेंज करूँ कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि दूसरी कंपनी ऑफर लेटर रिलीज ही ना करे, और मैंने यहाँ पे कंपनी नोटिस पीरियड दे दिया, मतलब नोटिस दे दिया और नोटिस पीरियड में मैं चल रहा हूँ, तो कितनी डिफिकल्टीज रहती हैं तुम्हारे लिए, वो टाइम कैसा रहता है? और भाई देखो, डर तो हर इंसान को लगता ही है, ठीक है ना। तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो देखो आपको नहीं पता कि इंटरव्यू सवाल, अच्छा डेवॉप्स के साथ मैंने बताया ना कि इतने वाइड वो है, मैं पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस है, आपसे बोलेंगे सर डेवॉप्स का इंटरव्यू आ जाइए, और इंटरव्यू बैठने का तो हो सकता है आपसे सिर्फ स्क्रिप्टिंग पे बात हो कि हमें तो स्क्रिप्ट लिखने वाला बंदा चाहिए था बस, समझ रहे हो। तो वो चीज है, अब आपकी हाँ स्क्रिप्टिंग भाई आपकी उस लेवल की नहीं है जो रिक्वायरमेंट उनको है, ठीक है। तो वो वहां रिजेक्शंस होंगे, तो रिजेक्शंस काफी मेरे भी हुए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन नहीं हुए, बट हर इंटरव्यू से आप सीखते जाते हो, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ते हो, ये मुझे स्ट्रांग करना है, और फिर आप आगे बढ़ जाते हो उससे, ठीक है। अब रही बात पहला इंटरव्यू और भाई नोटिस पीरियड में मैं हूं, कंपनी ने, उस वाली कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या करूंगा। तो एक बैकअप प्लान जैसे मैंने पर्सनल लेवल पे रखा था, फर्स्ट टाइम जब स्विच किया 3.9 ईयर्स बाद, मैंने क्या किया ना, जैसे मेरे पास 4-5 कंपनीज के ऑफर लेटर थे, ठीक है। मैंने क्या किया कि जो जिसने मुझे सबसे पहले लेटर दिया था ना, ठीक है, तो मेरे को उससे पर्सनल वो था कि यार इसने मुझे सबसे पहले बंदे ने रिकॉग्नाइज किया, इसने मेरे वैल्यू समझी, तो मैं इसको लास्ट मोमेंट में मना नहीं करूंगा। तो उस बंदे को मैंने 1 महीने पहले मना कर दिया, जब मेरे पास दूसरे 2-3 लेटर आ गए, भाई मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, जिससे कि एटलीस्ट भाई उनका भी हार्म ना हो, ये एक पर्सनल लेवल पे मेरा गुडविल जेस्चर कह लो आप, ठीक है। उसके बाद जो मुझे कंपनी ज्वाइन करनी थी, मैंने ना उसको ऐसे शेड्यूल किया कि उसकी ज्वाइनिंग डेट मेरी बीच में पड़ी, मेरे पास उसके बाद भी 2 ऑफर लेटर्स रहे 1-2 दिन बाद तक वैलिड, ठीक है, वो लेटर्स मैंने रखे, इन केस अगर मेरी जैसे ज्वाइनिंग नहीं होती है, कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन कर सकूं। तो मैंने इस तरह से बैकअप जो है प्लान बना के रखा। अब मुझे लगता है ना कहीं वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपने पहली कंपनी में अप्लाई किया एंड वही कंपनी का आपने ड्रीम बना ले कि यही कंपनी मुझे ज्वाइन करनी है, तो कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे कंपनी की भी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। जिस प्रोफाइल के लिए वो हायर कर रहे हैं, उन्हें कोई दूसरा बंदा मिल गया, तो फिर वो आपसे मना कर सकते हैं, कोई भी रीज़न मिल सकता है, कंपनी कोई भी रीज़न आपको बोल सकती है कि एक ये रीज़न है, अब हम वो पोजीशन भर गई है या फिर अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारी डिमांड ख़त्म हो गई है, तो ऐसा होता है। तो मैं भी जब बोलता हूँ कि यार नहीं, कम से कम 2 ऑफ़र लेटर, 2 या 3 ऑफ़र लेटर रखो, और उनकी डेट थोड़ा सा रखो, जैसा आपने बताया कि मैंने आज का रखा है, फिर 2 दिन का बाद, फिर 2-3 दिन के बाद मैंने ये रखा, ट्राई करो पहला ऑफ़र, पहली जो डेट का ऑफ़र लेटर है वहाँ पे तुम ज्वाइन कर लो, अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती तो 2 कंपनी बात की रखो, उससे ये होता है। नो डाउट ये चीज़ें गलत लगती हैं, क्योंकि यार अगर बाई चांस दोनों कंपनियों की भी रिक्वायरमेंट रही तो एंड मोमेंट पे तुम मना कर रहे हो, बट द रीज़न इज़ तो मैं भी अपनी जॉब के लिए देख रहा ना यार, वो लोग हायर कर लेंगे तब तुम्हें अगर जॉब नहीं मिलेगी ना, तो फिर बहुत डिफिकल्टीज आ जाएंगी। हर कोई अपने बारे में सोचता है, चाहे HR हो चाहे आप हो, और मुझे लगता है अगर हम सोच रहे हैं अपने बारे में वो सही है, क्योंकि अगर नई जॉब मिली तो बहुत डिफिकल्टीज हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट वैसे भी इस समय तो बहुत डाउन ही है। बिल्कुल, मतलब वो जो आप बहुत बात बोल रहे हो ना, कि देखो एट द एंड आपको अपना घर चलाना है, ठीक है, आपकी सैलरी नहीं आएगी ना तो सामने वाले बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट फर्क आपको पड़ेगा। और होता यही है, हायर करने के टाइम पे तो सब कहते हैं कि हाँ सब सही है और आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, फायर करने के टाइम पे बस ये कहते हैं कंपनी की हालत ठीक नहीं है, कंपनी में प्रोजेक्ट्स नहीं है, वी कांट हायर यू, या ये पोजीशन होल्ड पर चली गई है, हम नहीं कर सकते, और वो बस एक कॉल करके आपको मना कर देगा और आई एम सॉरी बोल देगा, उसके अलावा फिर कोई वो नहीं होगा। मतलब या तो वो आपको सैलरी दे के भाई आप सस्टेन करो और 10 दिन, तो समझ में आता है कि आप भी बहुत एथिकल काम करो, बट बात वही है कि जब वो एथिकल नहीं रहते हैं कई बार, ठीक है, तो आप इतना मत सोचो, ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी है आपके मुकाबले, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं हायर करने के लिए, कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, तो वो चीज़ है, इफेक्ट आपको पड़ेगा, एक एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करेगा उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।